नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी से प्राप्त जो कुदरती नेचुरल नीलम का शिवलिंग होता है वो मैं लेके आया हूँ। और ये दिखने में एकदम ब्लू सफायर मतलब नीलम जैसा होता है, पर ये नीलम नहीं बल्कि नीलकंठ शिवलिंग कहते हैं इसको। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर से कुदरती प्राप्त होता है, इसमें कोई जात का प्रोसेस नहीं होता है, कुदरती ऐसा होता है। और ये आप देखो इस पर एक ये लाइन भी है, वो नाक का प्रतीक है। अब मैं आपको इसका एक प्रयोग बताता हूँ। नीलकंठ शिवलिंग आपको देखने में एकदम थोड़ा फीका कलर दिखेगा इसका, लेकिन जब इसके ऊपर जलाभिषेक होगा तो इसमें कुदरती चमक आती है। ये आप देखो, जैसे ही जलाभिषेक होगा इसमें चमक आनी शुरू होती है। देखो आप देख सकते हैं ये जलाभिषेक हो रहा है तो इसका चमक आना शुरू हो जाता है और एकदम ये पारदर्शक रूप में दिखाई देता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे ही इसका जलाभिषेक होगा, देखिए आप, तो ये कलर में चेंजेस आएगा, कुदरती इसका एकदम चमक आ जाएगी। आप देखो ये नीलकंठ शिवलिंग की खासियत है, जैसे ही जल पड़ेगा इस पर एकदम इसमें चमक आ जाएगी और कलर जो है एकदम ब्लू हो जाएगा। ये जलाभिषेक हो गया, अब इसका कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसा रहेगा। उसके बाद अगर आप इसको साफ करते हैं, अभी देखो मैं आपको साफ करके बता रहा हूं, तो ये थोड़ा आपको एकदम फीका सा प्रतीत होगा। इस पे आपको एकदम ऐसा कि भाई मेला कुचेला है, डस्ट जैसा है, ऐसा प्रतीत होगा। अब इसके ऊपर जल डालते हैं और देखना आप, अभी एकदम फीका कलर है और जैसे ही जल डालेंगे ये देखो इसमें एकदम चमक आ गई। ये है नीलकंठ शिवलिंग की खासियत और ये बहुत दुर्लभ है, और ये आपको मिल जाए तो आप समझो कि आपका सौभाग्य जग गया। ओम नमः शिवाय।